जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाड़ी पे से HP कैसे हटाए जाए। जब हम गाड़ी परचेज करते हैं तो या तो फाइनेंस करवाते हैं या फिर कैश लेते हैं। अगर फाइनेंस कराते हैं तो वो 3 साल का होता है या 5 साल का होता है या 2 साल का होता है। वो पूरा होने के बाद RTO से कैसे रिमूव कराया जाता है और क्या RTO जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता और कैसे रिमूव होता है और कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो पे अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आपको पूरी गाइडेंस दे सके कि प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जब हम गाड़ी परचेस करते हैं किसी शोरूम से तो गाड़ी या तो कैश लेंगे या फाइनेंस लेंगे। ये वीडियो है फाइनेंस लेने वालों के लिए क्योंकि उन्हीं को जरूरत पड़ती है 3 साल 2 साल के बाद कि उसकी गाड़ी पे जो लोन था वो हटा या नहीं हटा, ये मैं कैसे देखूं, या बैंक मुझे लेटर देगा या नहीं देगा। तो इसी चीज से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। जैसे आपने गाड़ी फाइनेंस कराई तो वो फाइनेंस या तो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। जैसे कि जैसे आपका फाइनेंस खत्म हो जाता है तो बैंक आपको नो ऑब्जेक्शन देता है और प्लस परिवहन से ऑटोमेटिकली आपका जो लोन चढ़ा हुआ था उसको रिमूव कर देता है। अब वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको एम परिवहन एक ऐप है वो डाउनलोड करनी है। उसके अंदर आप अपना गाड़ी नंबर, चेसी नंबर, इंजन नंबर डालोगे तो उसको जैसे आप ओपन करोगे तो नीचे दिख रहा फाइनेंसर, फाइनेंसर के आगे अगर नॉट एप्लीकेबल लिखा हो तो समझना परिवहन ने आपका काम कर दिया। मतलब परिवहन के ऐप से बैंक ने एक मेल करा जिसकी वजह से वो रिमूव हो गया। अगर उसपे लोन दिखा रहा है, मतलब फाइनेंसर का नाम दिखा रहा है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, parivahan.gov.in की साइट पे जाना है। वहां पे HP टर्मिनेट आप अप्लाई करोगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। जो फॉर्म आपको बैंक से मिला था 35 फॉर्म के साथ में, उसमें पहले सिग्नेचर करना मत भूलना और अपलोड कर देना। और उसके बाद 230 रुपए की फीस होगी। फीस पेमेंट करने के बाद उसे स्पीड पोस्ट कर देना। 1 महीने के अंदर RC बन के आपके घर पे आ जाएगी। ये तब कर रहे हैं जब वहां पे ऑलरेडी फाइनेंसर का नाम लिखा हो। अगर नाम नहीं लिखा हो तो कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां से टर्मिनेट या रिमूव हो चुका है। परिवहन जब से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कुछ कुछ नए नए फीचर्स आ रहे हैं सिटीजन्स के लिए, और जितने भी फीचर्स आए अभी तक सब सुविधाजनक है और आपको बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको RTO का विजिट कम करना पड़े। HP से रिलेटेड अगर कुछ इश्यू हो, वीडियो को समझने में कोई दिक्कत आई हो आपको या कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मेरा एक नया चैनल है जिसे मैंने रमेश LLB करके बनाया, जिसके अंदर मैं जो नए फ्रेशर हमारे वकील जो भाई आए हैं और या जो अपनी विल रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या रजिस्ट्री में कैसे काम होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी नॉलेज देता हूं, और थोड़ा बहुत आप भी पढ़ा करो क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगी तो आप अपनी बात कहीं भी रख सकते हो, आपको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हम वीडियो का समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।